दोस्तों आपको सिर्फ एक मशीन लाना है, ये वाली जो मशीन है हेमर, इसमें आप तीन काम कर सकते हो। कौन कौन सा कर सकते हो? एक आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो नट कसने का डायरेक्ट रहता है, आपको क्या करना है, सिंपल सिर्फ इस पर वेल्ड करवा लेना। एक टुकड़ा इस टाइप का आ जाता है, आपको हार्डवेयर पर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो ग्लेंडर में जो लगता है ये वाली थ्रेड, ये वाली थ्रेड ग्लेंडर में लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि इसके पीछे एक ये वाला जो है ये आपको मिल जाता है, ये सिर्फ आप जाना और हेमर का जो पीछे का बीट है आप ये मांग लेना, ठीक है। बस ये टुकड़ा क्या करना है आपको, इसमें बेल्ट करवा लेना है बस। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला सेटअप है, ये 20-30 रुपये का मिल जाता है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये है जैसे, ये 20-20 रुपए के मिल जाते हैं हार्डवेयर पे। और ये भी निकल जाएगा, ये मैंने भी इसमें लगा रखा है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आप कोई भी नट कर सकते हो, मतलब कोई भी दरवाजे पल्ले का कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पल्ले का कसाया जैसे, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप इससे। उसके बाद में दूसरा क्या होगा, एक ये हेमर के तौर पे काम करेगी। कैसे काम करेगी ये देख सकते हो, ये बीटून है, तो इसको आप हेमर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ये तो मालूम है आपको इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। ये गेयर होता है इसमें, और ये एक ही मशीन लगाओगे आपको तीन काम हो जाएंगे। एक तो ये देख सकते हो, गेयर बदल के आप इसको हेमर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वाइब्रेट और हेमर चलता है इसमें, है ना। तो एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, एक ये हो गया सिंपल, एक ऐसे यूज़ होता है, दूसरा इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। आपको बेल्ट करना है, सिर्फ 20-30 रुपये खर्चा है। उसके बाद तीसरा ये देख सकते हो, ये जो राड है ये एक सरिया है, और इस सरिया में क्या कर रखा है, यही वाली बीट जो कि मैंने आपको बताया कि लाके इस पर बेल्ट करवा लेना और इस पर बेल्ट करा लेना, ठीक है। तो ये कितना सा है कि इस पर बेल्ट करा लोगे तो इससे होगा क्या, ये देख सकते हो, ये राला, ये आप इससे तीन काम कर सकते हो, दो काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो पुट्टी के लिए बना सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। आपको सिंपल इसमें लगा देना है और ये आपका राला भी बन जाएगा, और आप चाहोगे तो पुट्टी भी इससे बना सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो पुट्टी के लिए यूज़ हो रही है, और राले के लिए भी हमारे इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये दोनों में यूज़ कर सकते हो, और इसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई है और हाई पावर की रहती है हेमर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं कंटिन्यू इसको 5-6 साल से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, कार्बन भी नहीं बदला है। तो आप ऐसा करके इसका यूज़ कर सकते हो, हाई पावर है इससे। एक टंकी में राला बन जाता है 4 सीमेंट की बोरी से, मतलब 4 सीमेंट की बोरी फिट देता है ये आराम से। तो सोच सकते हो इसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। बस ये है, ये इसमें डालना है, इसको निकालना और इसमें लगाना है बस खाली, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, ये जो राड है ये दोनों में काम कर लेती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, अगर आप मशीन ले रहे हो तो आप ये वाली मशीन लेना, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया है, और अगर आपको इसको बाय करना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी बुलवा सकते हो, ठीक है। 2000 रुपये के आसपास, 2 से 2500 रुपये में आपको ये मशीन मिल जाती है। तो ये एक मशीन से आपको तीन मशीन नहीं लेना पड़ेगी, कि एक नट कसने की अलग लेना रहेगी, कि राला बनाने के लिए 3000 रुपये से 2800 से 3000 की आती है, ठीक है। मतलब ये जो पुट्टी बनाने की है ना, और दूसरा देख सकते हो हेमर। तो ये तीनों काम एक ही मशीन करेगी, एक बार पैसा खर्च करना, और सिर्फ 20-30 रुपये आपको ये बीटों में खर्च करना है बस, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।